प्रिय छात्र और छात्राओं, एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका तहे दिल से स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक ही बात को दो तरह से बोलना सीखेंगे। हम लोग अब वीडियो शुरू करते हैं। टाइप 9A अर्थात नौवें प्रकार के वाक्यों से हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 180, ए स्टॉर्म काउज्ड डैमेज इन 2015। इसका हिंदी अर्थ होता है, 2015 ईस्वी में आंधी ने क्षति पहुंचाई, या 2015 ईस्वी में आंधी ने हानि पहुंचाई। जब इस सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करते हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलते हैं, तो सेंटेंस बनता है, ए स्टॉर्म हैज नॉट काउज्ड एनी डैमेज सिंस 2015। और इसका हिंदी अर्थ होता है, 2015 ईस्वी से आंधी ने कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। अर्थात 2015 ईस्वी से तूफान ने कोई हानि नहीं पहुंचाई है। अर्थात हम किसी भी सेंटेंस को बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही अफर्मेटिव से निगेटिव में बदल सकते हैं। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि हम लोग किसी भी वाक्य को बिना अर्थ को बदले हुए ही दो प्रकार से बोल सकते हैं। अर्थात हम लोग किसी भी बात को बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही दो प्रकार से बोल सकते हैं। नंबर 181, आई रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिम इन 2014। इसका हिंदी अर्थ होता है, 2014 ईस्वी में मुझे उससे एक पत्र प्राप्त हुआ। अर्थात 2014 ईस्वी में मुझको उससे एक चिट्ठी प्राप्त हुआ। जब इस सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलते हैं, तो सेंटेंस बनता है, आई हैव नॉट रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिम सिंस 2014। और इसका हिंदी अर्थ होता है, 2014 ईस्वी से मुझे उससे एक भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात 2014 ईस्वी से मुझको उससे एक भी चिट्ठी प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोगों ने यहां देखा कि एक सेंटेंस को जो अफर्मेटिव में है, उसको हम लोग बिना अर्थ को परिवर्तन किए हुए ही निगेटिव में बदल देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम लोग एक वाक्य को, एक बात को बिना अर्थ को बदले हुए ही दो प्रकार से बोल सकते हैं। नंबर 182, आई मेट हिम एट 9 o'clock। और इसका हिंदी अर्थ होता है, मैं उससे 9 बजे मिला। जब इस सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही, बिना भाव को बदले हुए ही, बिना आशय को बदले हुए ही निगेटिव में बदलते हैं, तो सेंटेंस बनता है, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस 9 o'clock। और इसका हिंदी में अर्थ होता है, मैं उससे 9 बजे से नहीं मिला हूं। यहां हम देखते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है, दोनों ही वाक्यों का भाव एक ही है। आप एक ही बात को दो प्रकार से बोल सकते हैं। नंबर 183, आई सॉ हर इन 2010। इसका हिंदी में अर्थ होता है, मैंने उसे
2010 ईस्वी में देखा, या इसको यूं भी कह सकते हैं, मैंने उसको 2010 ईस्वी में देखा। जब इस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है आई हैव नॉट सीन हर सिंस 2010, और इसका हिंदी में अर्थ होता है मैंने उसे 2010 ईस्वी से नहीं देखा है, या इसको यूं भी कह सकते हैं मैंने उसको 2010 ईस्वी से नहीं देखा है। यहां अफर्मेटिव सेंटेंस का भी और निगेटिव सेंटेंस का भी अर्थ एक ही है, भाव एक ही है, मतलब एक ही है, आशय एक ही है, दोनों के अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, दोनों के अर्थ में किसी भी प्रकार का भिन्नता नहीं है। अतः हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में बदल सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी बात को हम लोग दो प्रकार से बिना अर्थ को बदले हुए ही बोल सकते हैं। इस कला को आपको सीख लेनी ही चाहिए। और ये वाक्य बिहार बोर्ड के 12वीं के सिलेबस में है, और कई भी राज्यों के जैसे कि झारखंड, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और एमपी के 12वीं क्लास के सिलेबस में है। इसलिए इन वाक्यों को आप खूब अच्छी तरह सीख लें, इससे आपको बोलने में भी और किसी से बात करने में भी बहुत अधिक आसानी होगी, बहुत अधिक सुविधाजनक होगी। नंबर 184, ही गेव मी प्रेजेंट्स ऑन माय बर्थडे, और इसकी हिंदी होती है उसने मुझे मेरे जन्मदिन पर उपहार दिया, अर्थात उसने मुझको मेरे जन्मदिन पर उपहार दिया। जब इस सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलते हैं तो सेंटेंस बनता है ही हैज नॉट गिवन मी प्रेजेंट्स सिंस माय बर्थडे, और इसका हिंदी में अर्थ होता है उसने मुझे मेरे जन्मदिन से उपहार नहीं दिया है, अर्थात दूसरे प्रकार से इसको बोल सकते हैं उसने मुझको, मुझे के जगह पर आप मुझको भी बोल सकते हैं, उसने मुझको मेरे जन्मदिन से उपहार नहीं दिया है। यहां हम देखते हैं कि दोनों ही वाक्यों का, अफर्मेटिव का भी और निगेटिव का भी, अर्थ एक ही है, भाव एक ही है, आशय एक ही है, मतलब एक ही है, दोनों के अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अतः हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही निगेटिव में बदल सकते हैं। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि हम एक ही बात को दो प्रकार से बोल सकते हैं और अर्थ में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होती है, अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग कुछ नए प्रकार के वाक्यों को देखते हैं। यदि समय बोधक अफर्मेटिव सेंटेंस में लास्ट के बाद कुछ शब्दों का प्रयोग होता है और उसके बाद व्हेन का प्रयोग हुआ हो तो इन्हें सिंस में बदलकर निगेटिव में रूपांतरित किया जाता है, निगेटिव में परिवर्तन किया जाता है, निगेटिव में बदला जाता है। वाक्य के टेंस पर भी ध्यान दें, वाक्य में जिस टेंस का प्रयोग हुआ है उस पर भी विशेष ध्यान दें। टाइप 10A अर्थात दसवें प्रकार का वाक्य, नंबर 185, आई लास्ट सॉ हिम व्हेन आई विजिटेड दिल्ली, इसका हिंदी में अर्थ होता है मैंने पिछली बार उसे तब देखा था जब मैं दिल्ली गया था, अर्थात मैं पिछली बार उसको
उस समय देखा था जिस समय मैं दिल्ली गया था। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही जब निगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो सेंटेंस बनता है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई विजिटेड दिल्ली। और इसका हिंदी में अर्थ होता है जब से मैं दिल्ली गया उस समय से मैंने उसे नहीं देखा है, या जब से मैं दिल्ली गया तब से मैंने उसे नहीं देखा है। यहां देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल का प्रयोग हुआ है और निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखें, और व्हेन के बाद पास्ट सिंपल है और निगेटिव में भी सिंस के बाद पास्ट सिंपल है। टेंस के इन बातों का आप अवश्य ही ध्यान रखें। यहां दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है, अर्थात बिना अर्थ को बदले हुए ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदल सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक ही बात को आप लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही दो प्रकार से बोल सकते हैं। इस कला को आप अवश्य ही अच्छी तरह सीख लें। नंबर 186, ही लास्ट मेट मी व्हेन ही केम हियर। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह पिछली बार मुझसे तब मिला था जब वह यहां आया था। अर्थात वह पिछली बार मुझको उस समय मिला था जिस समय वह यहां आया था। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को परिवर्तन किए हुए ही जब निगेटिव में बदलते हैं तो सेंटेंस बनता है ही हैज नॉट मेट मी सिंस ही केम हियर। और इसका हिंदी में अर्थ होता है जब से वह यहां आया है उस समय से वह मुझसे नहीं मिला है। जिस समय से वह यहां आया है तब से वह मुझसे नहीं मिला है। यहां हिंदी में है छूट गया है, इसे आप जोड़ लें या बिना है का भी आप बोल सकते हैं। जब से वह यहां आया तब से वह मुझसे नहीं मिला है। यहां आप है भी बोल सकते हैं और है छोड़ भी सकते हैं। यहां आप देखिए दोनों ही सेंटेंसों का, दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है, अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं है। बस फर्क इतना है कि एक सेंटेंस अफर्मेटिव में है और दूसरा निगेटिव में है। अर्थात हम बिना अर्थ को बदले हुए ही अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदल सकते हैं, या यूं कहिए कि हम लोग एक ही बात को दो प्रकार से बोल सकते हैं, और वह भी बिना अर्थ को बदले हुए ही। और अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है और निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। व्हेन के बाद पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है और सिंस के बाद भी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। व्हेन के बाद जो टेंस है और सिंस के बाद जो टेंस है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 187, आई लास्ट ट्रेवल्ड बाई एयर व्हेन आई वेंट टू इंग्लैंड। इसका हिंदी में अर्थ होता है मैंने पिछली बार हवाई जहाज से तब यात्रा की थी जब मैं इंग्लैंड गया था, या मैंने पिछली बार हवाई जहाज से उस समय यात्रा की थी जिस समय मैं इंग्लैंड गया था। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही जब निगेटिव में बदलते हैं तो सेंटेंस बनता है आई हैव नॉट ट्रेवल्ड बाय एयर सिंस आई वेंट टू इंग्लैंड। इसका हिंदी में अर्थ होता है जब से मैं इंग्लैंड गया उस समय से मैं हवाई जहाज से यात्रा नहीं की है, या जब से मैं इंग्लैंड गया हूं तब से मैंने हवाई जहाज से यात्रा नहीं की है। यहां दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है,
दोनों ही वाक्यों का भाव एक ही है, यहां दोनों ही वाक्यों का आशय एक ही है, यहां दोनों ही वाक्यों का मतलब एक ही है, मतलब में, अर्थ में, आशय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अतः आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में बदल सकते हैं, अर्थात बिना अर्थ को बदले हुए ही एक बात को दो प्रकार से बोल सकते हैं। इस कला को आप हर हालत में सीख लें। मैं देखता हूं कि बिहार के बहुत अधिक छात्र इसको बना तो लेते हैं, लेकिन बोलने में उनको हिचक होती है, क्योंकि वे इसका अर्थ समझते ही नहीं हैं। इसीलिए इन वाक्यों को जब आप पढ़ते हैं तो उसका हिंदी में आप अर्थ अवश्य जानें, उसका हिंदी में अर्थ आप अवश्य ही सीखें। हम लोग कुछ नए प्रकार के वाक्यों को देखते हैं। यदि समय बोधक अफर्मेटिव सेंटेंस में अगो का प्रयोग हुआ हो, अगो का यूज हुआ हो, तो इन्हें फॉर में बदलकर निगेटिव में रूपांतरित किया जाता है, निगेटिव में बदला जाता है। वाक्य के टेंस पर भी ध्यान दें। टाइप 11A अर्थात 11वें प्रकार का वाक्य 188 I saw him a week ago, इसका हिंदी में अर्थ होता है मैंने एक सप्ताह पहले उसे देखा। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो सेंटेंस बनता है I have not seen him for a week, और इसका हिंदी में अर्थ होता है मैंने एक सप्ताह से उसे नहीं देखा है, या मैंने उसे एक सप्ताह से नहीं देखा है। यहां भी हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का भी और निगेटिव सेंटेंस का भी अर्थ एक ही है, मतलब एक ही है। अतः हम बिना मतलब को बदले हुए ही किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदल सकते हैं, या यूं कहिए हम लोग एक ही बात को बिना अर्थ को बदले हुए ही दो प्रकार से बोल सकते हैं। 189 He helped me a month ago, इसका हिंदी में अर्थ होता है उसने एक महीना पहले मेरी मदद की, या उसने मेरी मदद एक महीना पहले की। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में बदलते हैं तो सेंटेंस बनता है He has not helped me for a month, और इसका हिंदी में अर्थ होता है उसने एक महीना से मेरी मदद नहीं की है। यहां दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस का भी वही अर्थ है और निगेटिव सेंटेंस का भी वही अर्थ है, अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अर्थात आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को परिवर्तन किए हुए ही निगेटिव में बदल सकते हैं, या यूं कहिए आप लोग एक ही बात को बिना मतलब को बदले हुए ही, बिना आशय को बदले हुए ही दो प्रकार से बोल सकते हैं। 190 She wrote me a week ago, इसका हिंदी में अर्थ होता है उसने एक सप्ताह पहले मुझे लिखा, या उसने मुझे एक सप्ताह पहले लिखा। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही, बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही निगेटिव में बदलते हैं तो सेंटेंस बनता है She has not written me for a week, इसका हिंदी में अर्थ होता है वह एक सप्ताह से मुझे नहीं लिखी है, या वह मुझको एक सप्ताह से नहीं लिखी है। यहां दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस का भी और निगेटिव सेंटेंस का आशय एक ही है, भाव एक ही है। अतः हम एक ही बात को बिना आशय को बदले हुए
बिना मतलब को बदले हुए दो प्रकार से बोल सकते हैं। यहां आप टेंस पर अवश्य ध्यान दें। अफर्मेटिव में पास्ट सिंपल का प्रयोग हुआ है और निगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। 191 आई वेंट टू द पिक्चर ए वीक अगो, इसका हिंदी में अर्थ होता है मैं एक सप्ताह पहले सिनेमा देखने के लिए गया, या मैं सिनेमा देखने के लिए एक सप्ताह पहले गया। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना आशय को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं, निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो सेंटेंस बनता है आई हैव नॉट गोन टू द पिक्चर फॉर ए वीक, इसका हिंदी में अर्थ होता है मैं एक सप्ताह से सिनेमा देखने नहीं गया हूं, या मैं सिनेमा देखने के लिए एक सप्ताह से नहीं गया हूं। यहां हम देखते हैं कि दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है, अतः आप बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं, निगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या यूं कहिए बिना अर्थ को बदले हुए ही हम लोग एक बात को दो प्रकार से कह सकते हैं, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, दो प्रकार से बोल सकते हैं। नंबर 192 इट रेंट ए मंथ अगो, इसका हिंदी में अर्थ होता है एक महीना पहले वर्षा हुई, या वर्षा एक महीना पहले हुई। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है इट हैज नॉट रेंड फॉर ए मंथ, इसका हिंदी में अर्थ होता है एक महीना से वर्षा नहीं हुई है, वर्षा एक महीना से नहीं हुई है। यहां अफर्मेटिव सेंटेंस का भी और निगेटिव सेंटेंस का भी अर्थ एक ही है, अतः हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं, निगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अतः बिना अर्थ को बदले हुए ही हम लोग एक ही बात को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। टाइप 12A अर्थात 12वें प्रकार का वाक्य। 193 ही गॉट ऑफ द ट्रेन व्हेन इट स्टॉप्ड, इसका हिंदी में अर्थ होता है वह ट्रेन से उतर गया जब यह रुकी। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही डिड नॉट गेट ऑफ द ट्रेन अंटिल इट स्टॉप्ड, इसका हिंदी में अर्थ होता है वह ट्रेन से तब तक नहीं उतरा जब तक यह नहीं रुकी, या वह ट्रेन से उस समय तक नहीं उतरा जिस समय तक यह नहीं रुकी। यहां अफर्मेटिव सेंटेंस का भी और निगेटिव सेंटेंस का भी अर्थ एक ही है, अर्थ में, भाव में, मतलब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। अतः हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं, अर्थात हम लोग एक ही बात को बिना अर्थ को बदले हुए ही दो प्रकार से बोल सकते हैं, दो प्रकार से कह सकते हैं। प्रिय छात्र, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए आप एक लाइक अवश्य कर दें और एक अच्छा सा कमेंट अवश्य कर दें। नंबर 194 द लेक्चर स्टॉप्ड हिज लेक्चर व्हेन द बेल रैंग, इसका हिंदी में अर्थ होता है व्याख्याता ने अपना व्याख्यान रोक दिया जब घंटी बजी। जब हम लोग इस अफर्मेटिव सेंटेंस को
बिना अर्थ को बदले हुए ही, बिना मतलब को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं, निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो सेंटेंस बनता है द लेक्चर डिड नॉट स्टॉप हिज लेक्चर अंटिल द बेल रैंग। इसका हिंदी में अर्थ होता है व्याख्याता ने अपना व्याख्यान तब तक नहीं रोका जब तक घंटी नहीं बजी। इसको यूं भी कह सकते हैं व्याख्याता ने अपना व्याख्यान उस समय तक नहीं रोका जिस समय तक घंटी नहीं बजी। यहां अफर्मेटिव सेंटेंस का और निगेटिव सेंटेंस का अर्थ एक ही है, अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अतः हम लोग एक ही बात को दो प्रकार से बिना अर्थ को बदले हुए ही बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय।